भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज किसी भी बच्चे की कॉपी का एक पन्ना भी नहीं फटने दूंगा, और उसी के लिए साथ में पैसे भी लेकर आया हूं। अरे अरे, दूर हटो। दीपक, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो, और कल जिन बच्चों की कॉपियां फट गई थी उन्हें इन पैसों से नई कॉपियां खरीद कर देना। ठीक है भीम भैया। नहीं भीम भाव, हम सब आपकी लड़ाई लड़ने आए थे, हमें पैसे लौटाकर अपनी लड़ाई से दूर मत कीजिए। हाँ भीम भाव, हमें अपनी लड़ाई से दूर मत कीजिए। अरे अरे, सुनो तो मेरी बात। देखो, मैं किसी को इस लड़ाई से दूर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम सब यहाँ आए हो मेरे लिए, यही तो हमारी लड़ाई है। भीम भैया, हमारे घर वालों ने कुछ कहा क्या? ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं थे, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम मेहनत मजदूरी करके लाए हुई कॉपी के पन्ने ऐसे नहीं फटने दे सकते। देखो, तुम अभी इसके बारे में मत सोचो, और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना सब, अगर तुम सब ये पैसे नहीं लोगे और नई कॉपियां नहीं खरीदोगे तो तुम में से किसी की भी मदद मैं नहीं लूंगा। नहीं भीम भैया, हमें आपकी मदद तो करनी है। अब ठीक है, हम ये पैसे ले लेंगे और नई कॉपी खरीद लेंगे। अच्छा, तो मतलब आज भी तुम घूम घूम कर पर्चे बांटोगे और यहाँ भी पर्चा चिपकाओगे। देखता हूँ मैं भी कब तक ये सिलसिला चलता है तुम्हारा। मेघनाथ जी, लक्ष्य पूरा होने तक रुकना लड़ाई के सिद्धांतों में नहीं होता। सही बोला तुमने, एकदम सही। तुम्हारे इन्हीं सिद्धांतों को लेकर वो पुरुषोत्तम में अपने समर्थकों के साथ तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, और तुम यहाँ हमारे विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ो, जी भर कर लड़ाई लड़ो। पर एक बात बताओ भीमराव, ये दीपक जो तुम्हें अपना नायक मानता है, अपना आदर्श मानता है, गुरु हो ना तुम इसके, हा? इसके पिता पुरुषोत्तम को भूखा प्यासा देखकर तुम्हें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है क्या, हा? जैसे मेरे बाबा है उस हिसाब से रहे भूखे। मेरी इस बात पर एक बार सोचना जरूर भीमराव। अरे उस पुरुषोत्तम को भूखा प्यासा देखकर तुम्हारा ईमान नहीं डोलता कभी, है? तुम्हारी आत्मा तुम्हें अंदर से कचोटती नहीं है कभी? लगता है तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं मर गई। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। चलो रे। भीम भैया, आप उनकी बातों के बारे में मत सोचिए। दीपक, ये अपने पास रखो, और जैसे हमने ये लिखा है ना, कल की तरह वैसे ही इस पर लिख कर रख देना। अब तुम ये सब करके रखो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ठीक है भीम भैया। अरे उस पुरुषोत्तम को भूखा प्यासा देखकर तुम्हारा ईमान नहीं डोलता कभी, है? तुम्हारी आत्मा तुम्हें अंदर से कचोटती नहीं है कभी? लगता है तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं मर गई हैं। जाओ जाओ भीमराव, जाओ। ओ पुरुषोत्तम, हितेश, जोकू, जनार्दन, मनोहर, इन सबसे बहुत ताकतवर है, अच्छे से समझाएगा तुझे, जा। हम भीमराव को ऐसे तो मनमानी नहीं करने देंगे। एकदम सही बात है। हाँ पुरुषोत्तम, और ये लड़ाई तुम भीमराव से नहीं हारोगी,
चाहे जौन हो जाए। जखू नाटक लगा रखे हो, खत्म करो ये सब। अरे अच्छा लगा देखा कि चाय में बैठ के ये सब करना बिना खाना पीना खाए। नाटक यही काम अगर भीमराव करे तो ये लड़ाई थी, धरना था, आंदोलन था, और वही काम मैं जो खुद जनार्दन हितेश करे तो नाटक है। खबरदार हमारे इस आंदोलन को किसी ने नाटक कहा तो। सबको लगता है ना कि भीम और रमा दोनों सबका बहुत ख्याल रखते हैं, तो अभी भी अपनी आंखें फार करके देखो और सोचो कि ये भ्रम है, वरना ये भीमराव हमें ऐसे ही भूखे छोड़कर नहीं चला जाता। और अब ये रमा भी काम पे जा रही है ना रमा, काम पे जा रही है ना? हाँ, मैं और रमा दोनों जा रहे हैं, क्योंकि कल भी भीम को कागज चाहिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए। हम काम करेंगे और पैसे लाएंगे। उनकी भूख का भी कुछ कीजिए और जाकर कहिए अपने बेटे को कि इनसे ना उलझे। क्या समझाएंगे ये, उस भीम के तो बाप है ना, जिसे दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, बाकी सब भूखे रहे या मर जाए। मेरे पति को गलत समझते हैं, उन्हें सबकी फिक्र रहती है। बस कह देने से फिक्र नहीं होती। पीछे मुड़कर देखिए, आ गए वो, और वो अपना सारा काम छोड़कर आपके लिए आए होंगे। बताइए पुरुषोत्तम काका। भीमराव बताओ कि तुम हमारी बात मानते हो कि नहीं, मेरे बेटे दीपक की शादी मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं या नहीं? नहीं। किसी भी हाल में नहीं। यही तो तुम्हारी ताकत है भीमराव, तुम कुछ भी बोलते हो तो पूरी सेना लग जाती है उसे सच बताने में, उसके मेहमा का बखान करने में, और फिर सामने वाले कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है शोभा काकी, आप अभी कुछ मत बोलिए और कोई कुछ मत बोलिए, अब सिर्फ मैं और पुरुषोत्तम काका बात करेंगे। बताइए पुरुषोत्तम काका, कैसे समझना चाहेंगे आप, क्योंकि मैं तो आपकी बात मानने वाला नहीं हूं कि आप दीपक की शादी करा सकते हैं, लेकिन मैं मेरी बात आपको समझाने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। बताइए कैसे समझेंगे? हाँ तो समझा दो, बहुत पढ़े लिखे हो ना, समझाओ कि हम जैसे लोग समझ सके। हाँ आखिर हम भी तो समझे कि पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होता है, पढ़े लिखे लोग कैसे समझाते हैं, समझाओ। हितेश काका आप समझते क्यों नहीं है, अभी अभी तय हुआ ना कि सिर्फ ये दोनों बात करेंगे, तो करने दीजिए ना इन्हें बात। हाँ एक एक बात होगी, तो भीमराव बताओ है कोई तरीका समझाने का कि दीपक की शादी इस उम्र में नहीं हो सकती? बताओ, मेरी बात मानो या हमसे लड़ाई करते रहो। पता नहीं भीम भैया और मेरे पापा में क्या होगा, बाबा मेरे अजीब है, कहीं गुस्से और चिढ़ में आके भीम भैया की बेइज्जती ना कर दे, और बेइज्जती करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ तो बताओ भीमराव अंबेडकर,
है कोई तरीका? हाँ, तो हो जाए आज फैसला, इन दोनों में से कौन सही सोचता है। क्यों आप फालतू में उलझ रहे हैं? नहीं शोभा काकी, आजमाने दीजिए ना। अब तो पत्नी ने भी कहा है ना समझाओ, तो कोई तरीका निकालो। आप जरा यहाँ आइए मेरे साथ। कहाँ? यहीं पर आइए, आइए तो सही। पर क्यों? आइए तो सही, मैं बताता हूँ, आइए। हाँ जाओ पुत्र, तुम बाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जा, 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 जा। हाँ, अब आप एक काम कीजिए, आप इस पत्थर को उठाइए। इस पत्थर को उठाने का क्या संबंध है मेरे सवाल से? लेना देना है, मैं सब बताता हूँ बाद में, पहले उठाइए, उठाने की कोशिश तो कीजिए। क्या पागलपन है, मैं नहीं उठाता। काका, अभी अभी आपने तय किया ना कि आप और मैं बात करेंगे जो कुछ भी है, तो मैं सब समझाऊंगा आपको, लेकिन एक बार मेरे लिए उठाने की कोशिश तो कीजिए। अरे पुरुषोत्तम, अरे उठाने की कोशिश करो, पता तो चले क्या नाटक है, क्या नया फसाद बना रहा है भीमराव। उठा उठा, उठाइए। हाँ करो कोशिश। अरे पुरुषोत्तम उठाओ। अरे उठाओ, अरे उठाओ पुरुषोत्तम भाव, उठाओ 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 उठाओ, हो गया हो गया, उठाओ उठाओ उठाओ। लो कर ली कोशिश, और कुछ? अच्छी कोशिश थी, लेकिन फिर भी आप इस पत्थर को उठा नहीं पाए, इसका मतलब आपके अंदर वो शक्ति नहीं है जिससे आप इस पत्थर को उठा सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप बताइए तो सही, आप मानते हैं ना कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है जिससे आप इसे उठा पाएंगे, आया ना? हाँ। तो अब बताइए कि अगर हितेश काका, जोखू काका, जनार्दन काका, मनोहर काका और आप ऐसे सब मिलकर इस पत्थर को उठाएंगे, क्या तो भी नहीं उठा पाएंगे? क्यों नहीं उठा पाएंगे? अरे हम सब मिलकर के उसको उठा पाएंगे, उठाकर दिखाए क्या? हाँ? नहीं नहीं ठीक है, जरूरत नहीं है। अरे ये सब बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ। साफ साफ आइए बताता हूँ, साफ साफ। तो साफ साफ बात ये है कि किसी भी चीज के भार को उठाने के लिए एक बल की, ताकत की आवश्यकता होती है, यानी कि शक्ति की जरूरत होती है, और ऐसे ही गृहस्थी के भार को उठाने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। जो बल, जो ताकत उम्र के साथ आती है, और अभी आपके बेटे की वो उम्र नहीं है, इसलिए उसकी शादी नहीं कराई जा सकती। अब समझ गए? पर अफसोस इस बात का है कि गृहस्थ जीवन का भार पति पत्नी को उठाना पड़ता। बहुत लोग मिलकर इस पत्थर को तो उठा सकते हैं, पर गृहस्थ जीवन को नहीं। अरे इतना समझा रहे हैं, अब तो समझिए। गृह जीवन कोई समान नहीं होता। उस समान को उठाकर जांच कराई जाए कि कोई उसे उठा पाएगा या नहीं, बताइए भीमराव अम्बेडकर। तो उठाने वाला बताएगा ना? Thank you.
बाबा, मुझे उठाने ना ग्रस्त जीवन का भार, तो फिर सुन लीजिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अब तो कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद तैयार नहीं है। बेटा, जिंदगी में ग्रस्त जीवन को बसाने में और संभालने में माँ बाप का भी तो सहयोग होता है। आप मुझे मत समझाइए, भीम भैया जो कह रहे वो सही और बाकी सब गलत है। तो फिर मेरा धरना जारी रहेगा। आप लड़िए, आप धरने पर भी बैठिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भूखे पैसे मत रहिए। लड़ूंगा तो ऐसे ही, अगर दिक्कत हो रही है तो हार मान लो। हार तो मैं मानूंगा नहीं। ठीक है, आप सब लोग भूखे पैसे रहेंगे तो आज से मैं भी ना कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? रमा, इनकी जगह पर अगर कोई और होता तो उसके लिए मैं खाना पीना कभी नहीं छोड़ता, मगर ये अपने लोग हैं, हमारी चाल के लोग हैं, और ये दीपक के बाबा भी है, तो उस बात के लिए तो मैं इनका सम्मान करता ही हूँ, तो कम से कम इनके सम्मान के लिए मैं भूखा रहूंगा। मगर आप ऐसे भूखे रहेंगे, आपको दिन भर कागज पर सवाल लिख कर बांटना है। अब ये बात मेरे और पुरुषोत्तम काका के बीच में ही रहने दो। चलो दीपक। चल रहा, हम भी काम ढूंढते। शर्म नहीं आ रही ना आपको? जिस भीम ने आपको चाल में प्रवेश दिलाया, जिस भीम के वजह से हम दोनों एक साथ हुए, उसी भीम के खिलाफ इतना सब कुछ बोल रहे हैं? अरे उसका एहसान मानते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जो जो कहे वो करे। जाओ अपना काम करो। वाह, पुरुषोत्तम तो बड़ा जबरदस्त आदमी है, ये तो हमारे नेता बनने के लायक है। तो एक तरफ का नेता भीमराव और हमारा नेता पुरुषोत्तम, क्यों, क्या कहते हो? बिल्कुल सही। पुरुषोत्तम, भारव कुछ बात करनी। ऐसा कब तक चलेगा? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, एक दो दिन में निपटा दूंगा सब कुछ। जल्दी निपटा, दहेज का आधा पैसा ले चुका है, ये ब्याह जल्दी करना होगा। निपटा दूंगा, निपटा, जल्दी निपटा, समझा? नहीं तो जितना पैसा लिया है ना, सूद समेत वापस करना पड़ेगा, समझा? हो जाएगा भाऊ। अब तो मनाना ही पड़ेगा, मना के तो रहूंगा ही शादी के लिए, दीपक को भी और उसकी आई को भी। कितने गिरे हुए इंसान हो ना, अपने बेटे के दहेज के पैसे पहले ही आधा ले चुके हो। जरूरत के समय विवाह तय हो गया, इसलिए ले लिए पैसे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि करा दो शादी दीपक की, तो आधा दहेज और मिल जाएगा और हमारा जीवन चल जाएगा। जीवन चल जाएगा? अरे मुझे लगता था ये बाप का दिल शायद अपने बेटे का ब्याह करना चाह रहा, मगर अब पता चला कि एक बाप का दिल नहीं,
बल्कि एक लालची आदमी का दिल अपने बेटे के लिए दहेज का सौदा कर रहा है। लेकिन अब तो मैं दीपक की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। धरना देना है ना तो दो धरना, जो करना है वो करो, लेकिन अब मैं दीपक की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम तीनों को सबक सिखाऊंगा, माँ बेटे और भीमराव को भी।